एक नंबर जीएस और एक नंबर मैथ्स के समान ही एक नंबर एमसीक्यू की सीरीज में आज हम पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। ये मेरा प्रयास है, इसके तहत आपको हर एक सब्जेक्ट के 20, 25, 30 क्वेश्चनों का एक सेट हर बार मिलेगा और मैं हर संडे को इस तरीके से एमसीक्यू आपके लिए डालूंगा। शनिवार को मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड किया करूंगा, जिसे आप पहले हल किया करें और उसके बाद इसका संडे को आपको आंसर शीट वीडियो के द्वारा आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए हमारा इसके अंतर्गत आज का पहला सम है, उसमें दिया हुआ किस सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया। मो सरकार अभियान, अब ये शब्दावली है मो, जो उड़ीसा के अंतर्गत उड़ीसा उड़िया भाषा से रिलेटेड है। ये जो अभियान था उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किया था। इसका उद्देश्य था उत्तम सरकारी सेवा लोगों को दी जाए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। मो सरकार अभियान जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। तो इनमें से एक सम्मेलन ऐसा है जैसे बॉन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, तो हम ज़्यादा नहीं तो इतना तो समझते हैं कि कार्बन प्रदूषण से रिलेटेड जो है वो स्टॉकहोम सम्मेलन था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन बी इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है। तो इसके अंतर्गत जो मॉन्ट्रिक्स रजिस्टर रखा जाता है, इसमें मानव जातियां जो मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, यानी कि मानव अपने जो कार्य कर रहा है उससे जलीय स्थानों को जो खतरा हो रहा है उसका इसके अंदर एक रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, उसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंगस बीमारी कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो बीमारियों के नाम है वो अजीब अजीब से लिखे हुए हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ है क्लोम गोला रुग्णता, रुग्णता जो होता है बीमारी का हिंदी नाम है, मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले लोगों में होती है, इसका कोई स्थायी इलाज नहीं होता है। मैं आपको अपने भाषा में समझा देता हूँ, हमें जो कोल होता है, कोयले को अंग्रेजी भाषा में कोल कहते हैं, तो जो कोल होता है वो हमारी सांसों में या हमारे फेफड़ों में जमा हो जाता है बुरादे के फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में, तो उससे एक फेफड़ा संबंधित एक बीमारी पैदा हो जाती है, उसका नाम है। अगले का नाम है वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, इसमें अमृता बिश्नोई पुरस्कार है, ये एक राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, पर इसमें अदम्य साहस मतलब वन्य जीवों को बचाने के लिए साहस भरा कोई किसी ने कार्य किया हो, इसमें उसे 1,00,000 रुपये की राशि भी दी जाती है। अगला है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहाँ का मुख्य जानवर जो है बारहसिंघा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में जम्मू कश्मीर। और इनको चेक करिएगा आप इंटरनेट से या आपके पास कोई नोट्स हो उनसे चेक करिएगा, जिससे आपको जानकारी और मिलेगी। समता मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किससे नापी जाती है। तो ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है वो डॉप्सन एक इकाई होती है, उससे नापी जाती है। तो सन 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फेवरे और हेनरी बिस्बॉन ने सबसे पहले इसका मतलब पता किया था ओजोन परत के बारे में, और इसकी मोटाई नापने के लिए एक यूनिट दी, उसका नाम है डॉप्सन इकाई। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन, उसको देखें, सॉरी अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची में किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होता है या होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्सर्जक देशों की सूची में, तो हम इसमें किस आधार पर इसे काउंट करते हैं, किस आधार पर देशों की सूची बनाते हैं। तो इसमें आपका जीवाश्म ईंधन का जलाना, ये कोयले वगैरह लकड़ी वगैरह तथा सीमेंट उद्योग दोनों आंसर हैं।
तो इसमें ऐसा कोई आंसर यहाँ है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें दिया हुआ है हमारे को, विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो विश्व में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो इसके अंतर्गत जितनी भी जो गैसें लिखी हुई हैं, तो वो सारी गैसें जो हैं ग्रीन हाउस से रिलेटेड हैं। पर जो जल वाष्प में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली ग्रीन गैस हाउस गैसें होती हैं, तो जो जल वाष्प है इसका सही आंसर है, ये साफ आसमान में 33 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला है हमारे पास में प्रश्न, उसमें दिया है क्रोटो कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। तो इसका जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब एक नियम बनाया गया था, इसके अंतर्गत लिविंग मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म यानी कि संशोधित जीव, जो जीवित जीव हैं उनके लिए बनाया गया था, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए ये कानून या प्रोटोकॉल बनाया गया है। रेड बुक डाटा किन खतरों को स्थित प्राणियों की लिस्ट है। एक रेड बुक जो है वो जारी होती है, वो रेड बुक जो है किन के लिए जारी होती है ये पूछा गया इस प्रश्न में। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जानवर, पेड़ पौधे और फंगी। ये फंगी क्या होता है, तो फंगी जो होते हैं वो भी जानवरों की श्रेणी से ही रिलेटेड है। जो फंगस होते हैं उन्हें फंगी कहा जाता है। तो इसमें जानवर, पेड़, जो आपने देखे होंगे फंगस वाले पेड़, तो जानवर भी है, पेड़ भी है, फंगी है। ऐसी कोई ओटी है नीचे, तो उसे आप क्लिक करेंगे तो हाँ डी नंबर पे है इसमें, तीन। ठीक, आगे देखें, अगला दिया 12वें नंबर पे, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या हैं। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित होने के लिए पहला तो यही है कि इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों की स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। दूसरा यही है इस क्षेत्र, मतलब ये दोनों ही ओटी हैं, ऐसी ओटी कोई है नीचे, हाँ है सी नंबर में वो ओटी है, तो उसका आंसर सी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब नियम, तो कौन सा प्रोटोकॉल जो है उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है, मतलब इसमें जोड़ी मिलानी है आपको। तो इसमें जो 1989 का बासेल सम्मेलन जो है वो सही जोड़ी नहीं बनी है। जो बासेल सम्मेलन है वो ट्रांसबाउंड्री आंदोलन, परागमन और हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग विनिमय से नहीं है। ठीक है ना, इसमें अपने को नहीं निकालना, सही नहीं है ना। हाँ, तो ये उससे संबंधित नहीं, तो फिर ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है खतरनाक अपशिष्ट और उनके निपटान के संक्रमण सीमा से। तो बेसल कन्वेंशन जो था वो खतरनाक जो कचरा वगैरह होता उससे संबंधित है। ठीक है, अगला है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14, उसमें दिया हुआ है पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन है। तो ये नाम जो है चेंज रहते हैं, अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है मेरी जानकारी में माधव गाडगिल हैं, इसको और चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आर के पचौरी आईपीसीसी के अध्यक्ष थे, बाकी दो के बारे में ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं आती है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है शेर की पूंछ वाला मकाक, मकाक यानी बंदर को कहते हैं, मंकी को, किस वन्य रिजर्व में पाया जाता है। इस तरह के जो बंदर हैं वो दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है नीलगिरी। ठीक, ए नंबर का। अगला है, इसमें दिया भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए जलीय पौधों को अमेरिका से पेश किया गया, इसका नाम क्या है। तो पौधे का नाम पूछा है जलीय पौधे का, तो उसका नाम है एगी ओल्पस। तो एगी ओल्पस जो है वो एक जलकुंभी है जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, और इसके बीज जो है वो अंकुरित होने के बाद, अंकुरित होने की क्षमता 30 वर्षों तक की होती है उसकी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है। तो एक वैज्ञानिक रासायनिक अभिक्रिया होती है डी नाइट्रिन फ्लाइंग बैक्टीरिया, ओटी नंबर बी जो है वो इसको कब बदल देता है। तो नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट से
नाइट्रेट को मुक्त कर नाइट्रोजन में डी नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया द्वारा बदली जाती है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक क्या है, मतलब उसका इंडिकेट क्या है। तो यहाँ पर हमारे को ढेर सारे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक जो है वो काई है, ठीक है। अगला है हमारे पास पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्ना बेना के बीच संबंध है। तो ये सहजीवी होते हैं। सहजीवी का मतलब होता है वो एक दूसरे के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। मूंगा एक चट्टान होती है, ये चट्टान मुख्य रूप से खंभात की खाड़ी वाले क्षेत्र में नहीं पाई जाती। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और कच्छ में ये पाई जाती है। तो इसमें कच्छ की खाड़ी नहीं लिखी है, तो मैं आपके लिए वो लिखे देता हूँ, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है और तीन ओटी में आपको दिए हुए हैं नाम, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पर खंभात की खाड़ी में नहीं पाई जाती। आप इन प्रश्नों को बार बार देखेंगे तो आपको धीरे धीरे ये याद होने लगेंगे। ऐसे हर बार ये क्वेश्चन में देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।